हेलो ट्रेडर्स, आज हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा डिफरेंस एनालाइज है। बीटीसी की डोमिनेंसी का एनालाइज करेंगे कि बीटीसी की डोमिनेंसी कितनी है और कितने होने के चांसेस हैं, और बीटीसी अगर डोमिनेंस हो जाता है तो उस पर उसके मार्केट पे क्या असरात पड़ेंगे, और इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वो भी इस एनालाइज से पता चल जाएगा कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है और आगे मार्केट के क्या चांसेस हैं। जैसे आजकल तो अल्टकॉइन बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, इन्वेस्टर जो अभी हैं वो रो रहे होंगे, परेशान होंगे। आज हम एनालाइज कर रहे हैं इसकी डोमिनेंसी का, आप फिर आपको पता चल जाएगा कि किस में इन्वेस्ट करें, बीटीसी में करें या दूसरे कॉइन्स में करें। ठीक है, बीटीसी अभी डोमिनेंट है, उसका अभी टेक्निकल एनालाइज करें। उसकी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लगा दी हैं, और चांसेस हैं कि वो सपोर्ट को ब्रेक कर ले और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ले। उसने ब्रेक किया हुआ है अभी, उसने अभी मंथली रेजिस्टेंस अभी की जो ऊपर जा रहा है उसके, अभी मंथ में तो अभी क्लोज नहीं हुआ, तो अभी मंथ में ब्रेकआउट नहीं हुआ, मगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीक में इसने ब्रेकआउट कर दिया है। वीक का ब्रेकआउट बता रहा है कि अब ये डोमिनेंट ज़्यादा रहेगा और बीटीसी के चांसेस ज़्यादा हैं बुलिश होने के, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन ब्लॉक था, उसने उसके ऊपर ब्रेक किया है और अभी ये ट्रेंड लाइन के पास जाएगा। ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा रीटेस्ट करने नीचे आएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। ये बता रहा है इसका जो टेक्निकल, ये बता रहे हैं कि बीटीसी डोमिनेंट ज़्यादा रहेगा, इसके अल्टकॉइन पर बहुत ही बुरे असरात पड़ेंगे, इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, शायद कुछ इन्वेस्टर अल्टकॉइन वाले खुदकुशी भी कर लें, क्योंकि अल्टकॉइन का ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। ख़ास तौर पे जो अल्टकॉइन हैं जैसे आडा है, मैटिक है, सोलाना है, इनमें तो इन्वेस्टर का बहुत लॉस हुआ है। और एक्सआर भी तो बहुत अच्छा जा रहा है, वो तो डाउन बिल्कुल भी नहीं आया जब से ये मार्केट ने डंप लगाया है, बीटीसी ने और मैटिक ने, इन सब ने डंप लगाया है, मगर वो बिल्कुल भी डाउन नहीं है। उसका भी एनालाइज मेरा ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही एज इट इज़ जैसे मैंने एनालाइज किया था वैसे ही जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सपोर्ट को रीटेस्ट किया और ऊपर चला गया। और अभी इसने जो डबल बॉटम टच किए हैं अभी इसने ब्रिटिश की डोमिनेंसी ने, अभी ये डबल बॉटम टच करने के बाद, बल्कि ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं इसको, ट्रिपल बॉटम होगा, उसके बाद मार्केट अब ऊपर जा रही है। और अब उसने अभी बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया है, जिसकी इस सेटअप के जो चांसेस है ना वो 80% होते हैं, अगर ये सेटअप बन जाए तो बुलिश जाने के 80% चांसेस बन जाते हैं। इसे इस सेटअप को डब्ल्यू सेटअप कहते हैं, ये हमेशा बियरिश मार्केट में लगता है। और ये आप देखते हैं बहुत ही अच्छा डब्ल्यू बना हुआ है, इसने जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट किया है वीकली में, अब मार्केट ऊपर जा रही है और ज़्यादा ऊपर जाएगी, बीटीसी ज़्यादा ऊपर जाएगा। अगर डोमिनेंसी बीटी की ज़्यादा हो गई, बीटीसी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया तो बीटीसी के 80,000 तक जा सकता है, 80,000 अभी नहीं जाएगा मगर कुछ मंथ्स के बाद और कुछ ईयर्स के बाद जाएगा। बाकी जो 24,000 वाली बीटीसी की लेवल है वो ब्रेकआउट हो जाएगी, और 24 वाली जो लेवल है उसका रीटेस्ट करने के बाद 30 लेवल वाली 30,000 का ब्रेकआउट कर जाएगा, कर लेगा बीटीसी, क्योंकि बीटीसी सिर्फ रीटेस्ट करने को आ रहा है। बीटीसी मंथ में बुलिश है, वीक में कुछ डाउन आ रहा है, वो रीटेस्ट करने को आ रहा है और कुछ नहीं। और इसने अभी बहुत अच्छा सा डब्ल्यू सेटअप बनाया हुआ है, इसको अब टच करके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बीटीसी की डोमिनेंसी बढ़ जाती है तो बीटीसी स्ट्रांग हो जाएगा, और जो अल्टकॉइन है वो बिल्कुल नहीं, उनमें जान नहीं आएगी, क्योंकि बीटीसी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बीटीसी में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो है वर्ल्ड कॉइन से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बीटीसी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बीटीसी को कुछ नहीं हो सकता। अगर बाइनेंस को कुछ हो जाता है तब भी बीटीसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर कॉइन बेस को कुछ होता है तब भी बीटीसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीटीसी डाउन ज़रूर आएगा मगर ज़ीरो कभी नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। और बीटीसी बुलिश ही रहेगा, बुलिश ही जाएगा, मगर ये आप ज़रूर मंथली चार्ट इसका बीटीसी का देख लें, बीटीसी में आपको पता चल जाएगा कि बीटीसी अब बिल्कुल करेंसी एक तौर, बिल्कुल करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट हो गई है,
क्योंकि जो इसका जो चार्ट है वो बता रहा है कि ये करेंसी बिल्कुल एक्सेप्टेड हो गई है, अब ये ज़ीरो नहीं होगी, अब जाएगी बिल्कुल ऊपर जाएगी, मत स्लो स्लो जाएगी, जैसे और फॉरेक्स में करेंसी जाती है ना वैसे ही जाएगी। फिर ये साल हर साल इवन 100 ईयर्स तक ये ऊपर ही जाएगा। जैसे मार्केट आप ईयर्स के चार्ट अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो मंथली चार्ट बुलिश होगा। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, मैं आपसे बहुत सारे अच्छे एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।